तो कैसे हो मेरे क्रिकेट के दीवानों? बढ़िया सब, मजा आ रहा है ना जिंदगी में? बस ऐसे ही मजे करते रहो, अपने सपनों को पूरा करते रहो। तो मेरे भाइयों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए कुछ ज्यादा ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की। कहने का मतलब ये है कि जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से लेके अब तक T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक किन किन बल्लेबाजों ने लगाए हैं, इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं बल्लेबाजों की बात करेंगे। और साथ ही भाइयों, अपनी हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आप सबसे पूछूंगा क्रिकेट से जुड़ा एक सवाल, जिसका जवाब सिर्फ अपने जैसे क्रिकेट के लवर्स दे सकते हैं, लेकिन वो सवाल हम अपनी वीडियो के एंड में पूछेंगे। तो चलिए भाइयों, फिर देर किस बात की, आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से पता कर लेते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन कौन से हैं। तो दीवानों, T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं इंग्लैंड के जॉस बटलर। बटलर सर ने अपने T20 वर्ल्ड कप के इस शतक को लगाने के लिए मात्र 67 गेंदों का इस्तेमाल किया था, और ये शतक इन्होंने 1 नवंबर 2021 को शारजहां के क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका के खिलाफ लगाया था। इस मैच में जॉस बटलर सर ने मात्र 67 गेंदों में 101 रन की नाबाद पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 6 चौके के और 6 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, जॉस बटलर सर का ये शतक इनके T20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक था। साथ ही इनके इस शतक की मदद से इंग्लैंड की टीम इस मैच को 26 रन से जीत भी जाती है। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। T20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं श्रीलंका के महेला जयवर्धने। महेला जयवर्धने सर ने अपने T20 वर्ल्ड कप के इस शतक को लगाने के लिए मात्र 63 गेंदों इस्तेमाल किया था, और ये शतक इन्होंने 3 मई 2010 को प्रोवाइडेंस के क्रिकेट ग्राउंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया था। इस मैच में जयवर्धने सर ने मात्र 64 गेंदों में 100 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 10 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, महेला जयवर्धने सर इस शतक को ठोक कर श्रीलंका के लिए तीनों इंटरनेशनल क्रिकेट के फॉर्मेट में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन जाते हैं। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं बांग्लादेश के तमीम इकबाल। तमीम इकबाल सर ने अपने T20 वर्ल्ड कप के इस शतक को लगाने के लिए मात्र 60 गेंदों का इस्तेमाल किया था, और ये शतक इन्होंने 13 मार्च 2016 को धर्मशाला के क्रिकेट ग्राउंड में ओमान के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 63 गेंदों में 103 रन की नाबाद पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 10 चौके और 5 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, तमीम इकबाल सर शतक को जड़कर बांग्लादेश के लिए T20 वर्ल्ड कप में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए थे, और इनके इस शतक की मदद से बांग्लादेश ने इस मैच को 54 रन से अपने नाम भी किया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 6 नंबर पर आते हैं इंग्लैंड के एलेक्स हेल। एलेक्स हेल सर ने अपने T20 वर्ल्ड कप के इस शतक को लगाने के लिए मात्र 60 गेंदों का इस्तेमाल किया था, और ये शतक इन्होंने 27 मार्च 2014 को छत्तरग्राम के क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 64 गेंदों में 116 रन की नाबाद पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 11 चौके और 6 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, बात करें एलेक्स हेल सर के इस शतक की, तो ये शतक इनके T20 इंटरनेशनल करियर का एक लौता शतक है, और इनके इस शतक की मदद से इंग्लैंड की टीम इस मैच को 6 विकेट से अपने नाम भी कर लेती है। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं इंडिया के सुरेश रैना। रैना सर ने अपने T20 वर्ल्ड कप के इस शतक को लगाने के लिए मात्र 59 गेंदों का इस्तेमाल किया था, और ये शतक इन्होंने 2 मई 2010 को सेंट लूसिया के क्रिकेट ग्राउंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। इस मैच में रैना सर ने मात्र 60 गेंदों में 101 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 9 चौके और 5 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, सुरेश रैना सर इस शतक को ठोक कर कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते हैं, जैसे कि वो T20 इंटरनेशनल में इंडिया के लिए शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, और वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इंडिया के लिए शतक बनाने वाले पहले ही बल्लेबाज बने थे। और साथ ही इनके नाम के आगे एक खास रिकॉर्ड और जुड़ गया था, ये भारत के लिए T20 वनडे टेस्ट तीनों के अंदर शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बने थे। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 4थे नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के अहमद शहजाद।
अहमद शहजाद सन ने अपने टी20 वर्ल्ड कप के इस शतक को लगाने के लिए मात्र 58 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 30 मार्च 2014 को मीरपुर के क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 62 गेंदों में 111 रन की नाबाद पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 10 चौके और 5 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, ये शतक अहमद शहजाद सर के टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक था और वो इस शतक को ठोक कर पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए थे। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैककुलम। मैककुलम सन ने अपने टी20 वर्ल्ड कप के इस शतक को लगाने के लिए मात्र 51 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 21 सितंबर 2012 को पल्लाकली क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। इस मैच में मैककुलम सन ने मात्र 58 गेंदों में 123 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 11 चौके और 7 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, ब्रेंडन मैककुलम सर टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन जाते और इनके इस शतक की मदद से न्यूजीलैंड की टीम इस मैच को 59 रन से अपने नाम भी कर लेती है। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल। गेल सन ने अपने टी20 वर्ल्ड कप के इस शतक को लगाने के लिए मात्र 50 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 11 सितंबर 2007 को जोहानिसबर्ग के क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 57 गेंदों में 117 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 7 चौके और 10 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, क्रिस गेल सर इस शानदार शतक को ठोक कर टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए थे। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर एक पर आते हैं वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल। जी हाँ भाइयों, एक बार फिर से गेल सर ने अपने टी20 वर्ल्ड कप के इस शतक को बनाने के लिए मात्र 47 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 16 मार्च 2016 को मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। इस मैच में गेल सर ने मात्र 48 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 5 चौके और 11 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, बात करें क्रिस गेल सर के इस शतक की, तो ये शतक क्रिस गेल सर के टी20 वर्ल्ड कप के अंदर दूसरा शतक था जिसके चलते वो टी20 वर्ल्ड कप के अंदर 2 शतक बनाने वाले एक लौते खिलाड़ी भी बन गए थे। तो चलिए भाइयों, ये बात तो हो गई टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की। इसी के साथ भाइयों, वादे के मुताबिक मैं आप सबसे पूछूंगा एक सवाल, और सवाल ये है कि भारत का वो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप से लेकर 2021 के टी20 वर्ल्ड कप तक सभी टी20 वर्ल्ड कप खेले। आपको बस उस खिलाड़ी का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है और आप सबकी मदद के लिए एक हिंट और दे देता हूँ कि वो खिलाड़ी 2022 का टी20 वर्ल्ड कप भी खेलेगा। जिसको अब पता चल गया, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर उस खिलाड़ी का नाम जरूर लिखना। तो चलिए मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आगे भी अपने इस चैनल पे क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने इस भाई को मत भूल जाना यार।